पतरस की दूसरी पत्री अध्याय एक। शामौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकालीन पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुध दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा, और मैं ये अपने लिए उचित समझता हूं, जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुध दिला दिला कर उभारता रहूं, क्योंकि ये जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे पूछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, जब उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो स्वर्ग से यही वाणी आते सुना, और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। और तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। अध्याय दो। और जिस प्रकार
उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नशा करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इंकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी और वो लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, उनका विनाश ऊंघता नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे और प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया और सदोम और अमोराह के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया ताकि वो आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन दंड की दशा में रखना भी जानता है। निज करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं वो ढीठ और हठी है और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो भी स्वर्ग दूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय औरों को बुरा भला कहते हैं, वो अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है, ये कलंक और दोष है। जब वो तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं, उनकी आंखों में व्यभिचारिणी बसी हुई है और वो पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वो चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वो संताप की संतान है, वो सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना पर उसके अपराध के विषय में उल्हना दिया गया, यहां तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग अंधे कुएं और आंधी से उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वो व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल कर ही रहे। वो उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वो उसका दास बन जाता है और जब वो प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही
उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। अध्याय 3। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुध दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। वो कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब कर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वो भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन हजार वर्ष के बराबर है और हजार वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन।